नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल ट्रैवल लॉग्स में। और हो चुकी है एक नए दिन की शुरुआत। और पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि मैं कहां पर आया हूं। मैं टनकपुर आया हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको दर्शन कराऊंगा पूर्णागिरी मंदिर के। तो रूम टूर मैंने आपको लास्ट वाली वीडियो में मैंने दे दिया था। नहा धो के तैयार हो गए हैं बिल्कुल फ्रेश एकदम, और अभी थोड़ी देर में ब्रेकफास्ट ऑर्डर करेंगे। आपको दिखाता हूँ मैंने क्या ऑर्डर किया और खाने के बाद निकल पड़ेंगे पूर्णागिरी माता के दर्शन करने। तो जी, ब्रेकफास्ट आ चुका है, कॉफ़ी, चाय, गोभी पराठा, आलू प्याज पराठा और बटर जैम और ये अचार। चलिए खा के निकलते हैं जल्दी से। तो को बैठ गया हूँ मैं गाड़ी में और निकल चुका हूँ पूर्णागिरी मंदिर के लिए। और ये मेन हाईवे है जिसपे NH9 पे अभी मैं चल रहा हूँ। और यहाँ से आपको आगे एक राइट कट आता है पूर्णागिरी मंदिर जाने के लिए, वो कट मैं अभी आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्णागिरी माता की यात्रा। बोलो जय माता दी। सामने जो आप देख रहे हो ये NH9 सीधे जाता है पिथौरागढ़ 147 किलोमीटर, चंपावत 74 किलोमीटर। और जो राइट में आप कट देख रहे हो, माँ श्री पूर्णागिरी धाम में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हमको इस तरफ जाना है, ये राइट टर्न। जहां से हमने राइट टर्न लिया था वहां से पूर्णागिरी माता का मंदिर 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और वहां जाके मैं आपको बताता हूँ आप गाड़ी की पार्किंग वगैरह कहाँ कर सकते हो। वो आपने पीछे एक बोर्ड देखा होगा, वहां पे वो चेक पॉइंट है और छोटे बड़े वाहनों के लिए 150 रुपये की पर्ची कटती है ये, और टू व्हीलर्स के लिए 40 रुपीज़ की पर्ची कटती है। गाड़ी से उतर गया था, चलते चलते ऐसा खूबसूरत नज़ारा मेरे को दिखाई दे गया था तो सोचा आपके साथ शेयर करूं। क्या बहुत बेहतरीन नज़ारा है गाइस, मज़ा आ गया है। ये है शारदा नदी, वो उधर से बहती हुई आ रही है काफ़ी दूर से और आगे निकल गई है ये। भाई वो सामने आप पहाड़ देख रहे होगे, वो नेपाल है भाई, उधर वो सारा नेपाल है और इस तरफ आ जाता है इंडिया। तो बीच में डिवाइड कर रही है ये शारदा नदी, हम लोग बोलते हैं इसे शारदा नदी और नेपाल वाले बोलते हैं इसे काली नदी। तो भाई यहाँ पर आपको नेपाल टेलीकॉम के सिग्नल भी देखने को मिलेंगे, जो मैंने आपको सामने ये पहाड़ दिखाया था नेपाल में आता है, और नेपाल के सिग्नल भी यहाँ पे कैच करेंगे। ये देखिए नेपाल टेलीकॉम लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे। भाई ये सामने देख रहे होगे माँ पूर्णागिरी मंदिर का, ये पैदल का रास्ता है, शॉर्टकट रास्ता है ये, और इसमें सीढ़ियाँ आपको सीढ़ियाँ बहुत मिलेंगी और ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई जिसे बोलते हैं ना वो है। भाई आप देख रहे होगे पूरा का पूरा पहाड़ इन चौ रखा, भाई इतनी बड़ी शिला है ये, बहुत बड़ी शिला। तो दोस्तों पहुंच गया हूं मैं भैरव मंदिर पे, और तो भैरव मंदिर पे पहुंच चुका हूं और गाड़ी की पार्किंग यहां पे खोज रहा हूं, दिखाता हूं गाड़ी की पार्किंग कहां पे होगी। तो भाई गाड़ी की पार्किंग यहां पे कर दी है, यहां पे फ्री पार्किंग है, फ्री पार्किंग इसलिए बस ये आपको जहां गाड़ियां पार्क कर रहे हो वहाँ से प्रसाद ले लीजिएगा तो गाड़ी आपकी पार्किंग फ्री कर देते हैं। ये 251 का मैंने प्रसाद ले लिया है यहाँ पे, इन वाले भाई साहब से लिया है, ये इनकी दुकान है। वैसे प्रसाद आप ऊपर से भी ले सकते हैं, बस गाड़ी मैंने यहाँ पे पार्क कर दी थी, यहीं से लेना था। तो ये 3 किलोमीटर तक मुझे प्रसाद लेके जाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, माता के नाम पे ले चलेंगे। तो भाई ये बोर्ड लग रहा है माँ पूर्णागिरी मंदिर, आपको इस साइड में जाना है और ये बिल्कुल लास्ट है, यहाँ से आगे आप गाड़ी नहीं ले जा सकते। तो भाई यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़नी स्टार्ट हो जाती हैं और भीड़ बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा हुआ मंदिर। यहाँ पे ना ओपन धर्मशाला टाइप मिल जाएंगी बहुत सारी, जिसमें आप रुक सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे यहाँ पे लोगों ने ओपन धर्मशाला टाइप बना रखी है ये, और मंदिर के लास्ट तक आपको ये प्रसाद वगैरह खरीदने के लिए मिल जाएंगे। ये देख रहे हैं आप, ये ओपन धर्मशाला टाइप है, जब बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है
तो यहाँ पे बहुत भीड़ होती है। सीजन का टाइम होता है तो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है और यहाँ पे लोगों को ठहरने की जगह नहीं मिलती है। पूर्णागिरी मंदिर जो पड़ता है वो देवी के जो 108 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है और माना जाता है यहाँ पे माता की नाभि गिरी थी जब शंकर जी उनको लेके जा रहे थे, महादेव उनको लेके जा रहे थे। दोस्तों बाहर का नजारा कुछ ऐसा है। दोस्तों जब आप अपनी यात्रा के आखिरी पड़ाव पे होंगे तो इस तरीके की खड़ी चढ़ाई आपको देखने को मिलेगी जो सीढ़ियों से चढ़ी जाएगी, इसे कहते हैं सीढ़ियों की खड़ी चढ़ाई। तो बंदरों से खास तौर पे सावधान रहें और प्रसाद को ऐसे करके लेके जाना पड़ रहा है, झपट्टा मारते हैं सीधे, मुझे तो डर है कहीं मेरा चश्मा ही ना ले जाएं। वो मैं मंदिर पहुंचने वाला हूँ, वो सामने मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाता हूँ। वो सामने आप देख रहे होंगे ऊपर, वो है जहाँ झंडे नज़र आ रहे हैं, वो मंदिर है। तो भाई जाने का रास्ता यही है, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि आगे देख रहे होंगे रेत ही रेत फैला हुआ है, तो कुछ काम चल रहा होगा मंदिर में। तो भाई ये आ गया सीधे सामने मंदिर। तो वो है माता का मंदिर, पूर्णागिरी मंदिर। लगभग भाई 10 बजे मैंने चढ़ना स्टार्ट करा था, 10:15 बजे के आसपास, और अभी 12:30 बज रहे हैं। तो 2 घंटे में मैं यहाँ पे आ गया हूँ और माता के दर्शन मैंने कर लिए हैं। अब मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ जहाँ पे काली माता का मंदिर है और वहाँ पे भी प्रसाद चढ़ाएंगे। चलो चलते हैं, दर्शन कराता हूँ आपको काली माता मंदिर के भी। तो भाई जैसे हर एक माता के मंदिर में होता है, बहुत मान्यता होती है माता के मंदिर की, क्योंकि शक्तिपीठ होते हैं माता के मंदिर, 108 शक्तिपीठ हैं उनमें से एक है ये, और इसकी बहुत ज़्यादा श्रद्धा है। देख रहे हो कितनी मनोकामना मानी हुई है, सबने चुनिया बांधी हुई है, यहाँ पे सबकी मनोकामना पूर्ण करेगी माता। बोलो जय माता दी। और नीचे आपको वही शारदा नदी भारतीयों के लिए, और नेपाल में इसको काली नदी बोला जाता है। अभी मैं आगे निकल चुका हूँ काली माता के दर्शन करने के लिए, चलो आगे चलते हैं, कराता हूँ आपको दर्शन। ये मंदिर बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली, एकदम लास्ट में आके माथा टेक के बहुत ही शांति के साथ दर्शन हुए हैं। भाई आ चुके हैं नेपाल, वेलकम टू नेपाल, महाकाली का मंदिर, और दर्शन कर लिए मैंने और आगे की ओर बढ़ रहा हूँ अभी। तो भाई लोग ये है कंदमूल फल, रामकंद जिसे बोलते हैं, खा के बताता हूँ भाई कैसा है, पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। भाई यहाँ से स्टार्ट हो जाता है भैरव मंदिर का द्वार, नीचे जाके भैरव मंदिर के दर्शन करके आते हैं। हेलो, आपको जो भैरव मंदिर मिलेगा ना, मंदिर का जो प्रवेश द्वार है, पूर्णागिरी माता का प्रवेश द्वार है, तो सबसे पहले ये भैरव मंदिर ही मिलेगा, लेकिन आपको सबसे लास्ट में जाना है, ऊपर पहले माता के दर्शन करने हैं, फिर काली माता के दर्शन करने हैं, उसके बाद भैरव मंदिर के दर्शन करने हैं। मैंने तीनों दर्शन कर लिए हैं, अब मैं चल चुका हूँ अपनी गाड़ी पे। दोस्तों वीडियो आपने अगर यहाँ तक देखी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नई हर एक वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। मैं मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। भाई ये है बाहर का नज़ारा, छोटा सा खेत है किसी का, मुझे लग रहा है कुछ पेड़ वगैरह लगे हुए हैं।